उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र में बीते दिन हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बता दें कि छानखेड़ी गांव में मदन बलाई की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते पुलिस ने सूचना के आधार पर 24 घंटे के अंदर ही हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन की इंगोरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने अंधकत्ल हत्या का किया खुलासा। वहीं बता दें कि इंगोरिया थाना क्षेत्र में छानखेड़ी गांव में मदन बलाई उम्र 56 वर्ष चौकीदारी का काम करता था, जो खेत पर 15 तारीख को रक्त रंजिश हालत में मिला था, जिसके बाद से ही इंगोरिया पुलिस मामले की जांच कर रही थी, जिसके चलते पुलिस ने सूचना के आधार पर 24 घंटे के अंदर ही हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद हत्या करने वाले आरोपियों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही हत्या में जब्त हुए हथियार, चाकू, संबल, लाठियां भी पुलिस ने जब्त कर ली हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। वहीं बेहतर काम करने वाले आरक्षकों व पुलिसकर्मियों को उज्जैन SP सचिन अतुलकर द्वारा सम्मान और नगद राशि दी जाएगी। हाँ, ये जो घटनाक्रम है पूरा, ये 14 तारीख की रात्रि का है। 15 तारीख को थाने में सूचना मिली थी कि कैलाश माहेश्वरी जी का जो बगीचा है उसमें एक डेड बॉडी पड़ी है। जब जा करके देखा तो वो डेड बॉडी, वहाँ का जो चौकीदार है मदन बलाई, लगभग 65 साल का, ये उसकी डेड बॉडी स्थल का निरीक्षण किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी घटना के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के पालन में आगे इसमें काम किया गया है। इसमें जो थाने का स्टाफ है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्य रूप से हमारे जो दो आरक्षक हैं यहाँ पे थाने में, जिनके नाम है भंवरलाल और अनिल आर्य, उनका एक अच्छा रोल रहा है इस पूरी घटनाक्रम को डिटेक्ट करने में। क्योंकि घटनाक्रम उन्हीं के बीट का था, तो आगे मुखबिर के द्वारा कुछ इसमें सूचनाएं लगातार मिलती रही, तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा इस प्रकार से रहा कि इनके यहाँ पर एक महिला है छायाबाई नाम की, जो परिवर्तित नाम है उसका, वो काम करने के लिए आती थी। उसके साथ में उसकी बेटी भी कभी कभी आती थी काम करने के लिए, तो वहीं पड़ोस का एक मांगीलाल करके हैं, वो भी बुज़ुर्ग आदमी है, लगभग 50 साल का आदमी है, तो उसके साथ में उसकी लड़की का संबंध हो गया था। ये बात जब इसको मदन लाल को पता चली तो मदन लाल ने कहा कि उसके साथ उसका संबंध है इतने समय से है, तो तुम इसके नाम से प्रॉपर्टी करवा लो, उसकी जो मांगीलाल की प्रॉपर्टी करवा लो, कुछ ज़मीन इसके नाम से करवा लो या फिर इसका घर उसके नाम से करवा लो। चलिए, तो उसने प्लान बना लिया कि ये मेरी संपत्ति हड़पने के चक्कर में है। तो उसने प्लान बना करके अपने बेटे को और साथ में उनके जो रिश्तेदार थे पूछाखेड़ी में, जिसमें कालू सिंह और बालू सिंह, ये दो रिश्तेदार थे उनके, रिश्ते में इनकी जीजा लगते थे, तो उनको यहाँ पर बुलाया। पूरे षड्यंत्र रच करके उनको 14 तारीख की रात को बुलाया गया। साथ में तीनों के द्वारा फिर वहाँ मौके पे गए। मौके पे जाकर के जो मृतक है उसको घर के बाहर बुलाया गया आवाज़ दे करके, क्योंकि रात की घटना थी तो मृतक भी इनको शायद पहचान नहीं पाया। बाहर बुला करके जो हमारी राड़ होती है, सब्बल होती है, सब्बल से उस पर सिर पर वार किया, फिर इनके द्वारा पकड़ के उसको पैरों पर वार किया, तो मृतक की फिर वहीं पर मृत्यु हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।